जन्माष्टमी निमित्ते बधा साधक भक्तों ने खूब खूब नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी श्री कृष्ण ने याद करवानो, स्मरण करवानो, अरे श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, अने श्री कृष्ण को मेरी जो नजर है कभी भगवान के रूप में उतना नहीं देख पाती है, बल्कि कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसको मैंने विराट के रूप में देखा है, अनुभव किया है। अपने समय से 20,000 साल पहले जन्मा वो मनुष्य, अगर वह जन्मा था और जिया था तो वो उसके समय का चमत्कार था, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें श्री कृष्ण एक पॉलिटिशियन के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें श्री कृष्ण का दैवी स्वरूप दिखाई देता है, और आप अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो तो उसमें वो एक गुरु के पद पर आपको अभिषिक्त दिखेंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ज्ञान के भंडार के रूप में, और अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध एक मित्र का और एक सखा का था। कौन से घड़ी कौन से पल वो मित्रता का संबंध गुरु शिष्य में बदल जाता है, इतनी आसानी से कि पता ही नहीं चलता है। तो गीता में तो वो सदगुरु हैं, ज्ञान के भंडार हैं, और स्वयं ही चेतना बनकर प्रकट होते हैं। तो कभी सहज और सरल मानवीय संवेदनाओं के साथ, तो हम क्यों उन्हें नहीं देख सकते? वो आज भी है, कर्षति आकर्षति आनंदति इति कृष्ण। द्रौपदी के साथ जो उनका संबंध है, आज से 1,000 साल पहले स्त्री पुरुष की मित्रता का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और रुक्मणी के साथ दाम्पत्य जीवन बड़ा विद्वत्तापूर्ण है, समझदारी पर आधारित है, स्नेह और एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान से भरा गृहस्थ जीवन है। और जो राधा के साथ उनका प्रेम है वो इतना सत्य है कि सिर्फ विवाह को मान्यता देने वाले इस समाज में राधा कृष्ण के प्रेम की साकार में पूजा किया है और करता रहेगा। ऐसे एक व्यक्तित्व को मेरे मन की आंखों ने भगवान तो देखा, लेकिन उससे उसके साथ साथ एक इंसान के रूप में भी देखा, और वह जो इंसान के रूप में देखने की मेरी दृष्टि है वो वर्षों वर्षों के बाद भी बरकरार है, और मैं महसूस करता हूँ कि वो प्रत्येक क्षण मेरे आसपास है, मेरे भीतर भी हैं और बाहर भी है। मेरे जीवन में आने वाले जितने भी सुख हैं उसमें वो साथ हैं, और जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है, आपदा है, प्रतिकूलताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस दुख में भी कष्टों में भी वो मेरे साथ है। इसके बावजूद भी मैं पूर्ण रूप से वो सिर्फ भगवान है और उसके अलावा कुछ नहीं, केवल यही दृष्टि नहीं अपितु उनको एक जगमगाती चेतना के रूप में मेरी दृष्टि उनको देखती है। वे इंसान हैं जिनका शरीर शायद ये दुनिया को छोड़कर चला गया, किंतु उनकी आत्मा और उसकी प्रबलता या स्वच्छता या उनकी दिव्यता इतनी अधिक गहरी थी, यह प्रकृति अथवा उसके कॉस्मोस में कहीं वो सर्वव्यापी फैल सी गई है।
और यही कृष्ण के लिए मेरी व्याख्या है, मेरी परिभाषा है, बहुत ही सरल, बहुत ही सादी, बहुत ही सिंपल। कोई भी मनुष्य जिससे इतना भव्य जीवन जिया हो और इतनी सारी चाहतों और जीवन के प्रवाह के साथ बहते हुए जिया हो, वो मनुष्य अपनी देह का, शरीर का त्याग करता है, तब उसे कैसी भावना उत्पन्न होगी? क्या वो फिर से मुड़कर अपने बीते जीवन को एक बार देखता होगा? जिए जा चुके जीवन में क्या कोई बदलाव करना चाहेगा? यही जीवन अगर फिर एक बार जीने के लिए कहा जाए तो क्या वो उसे इस तरह जिएगा कि इससे भिन्न रूप में? दुनिया जिसको पुरुषोत्तम कहती है, मधुसूदन कहती है, उसके जीवन में नारी की क्या कोई कमी हो सकती है? भागवत और पुराणों में कृष्ण की 16,108 रानियां गिनाई, क्या वो सचमुच थी या नहीं इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में 3 महत्वपूर्ण स्त्रियां थी, मित्र, पत्नी और प्रेमिका, राधा, रुक्मणी और द्रौपदी। और इनके साथ कृष्ण के मधुर संबंध और गहरे रहे। ये तीनों ही स्त्रियां कृष्ण के बारे में क्या मानती हैं, क्या मानती थी, इसको ज्यो ज्यो आप जानने की कोशिश करोगे आप चकित हो जाओगे और गहराई में उतरते जाओगे। यही जिज्ञासा, यही उत्सुकता आपके जीवन को सुखद परिणामों के साथ भर देगी। माँ, बहन और अन्य संबंध व्यक्ति को विरासत में प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के जन्म के साथ ये संबंध उसके खाते में लिख दिए जाते हैं, लेकिन पत्नी, मित्र और प्रेमी का ये 3 संबंध ऐसे हैं जिन्हें व्यक्ति खुद पसंद करता है, खुद पैदा करता है, पालता है और खुद ही इसमें जीता है। कृष्ण के जीवन में इन 3 महत्वपूर्ण संबंधों और उनके कृष्ण के साथ के संबंधों जुड़ी हुई कथाओं में आप अवगाहन करोगे तो नए नए महत्वपूर्ण अर्थ उसमें से निकलेंगे। मृत्यु को देख चुके और अनुभव कर चुके कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षणों में जीवन की कुछ घटनाओं को अगर आप फिर से एक बार देखने और महसूस करने की कोशिश करते आप नए प्रकार की जिंदगी को जीने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनका इतिहास, उनके जीवन से जुड़ी हुई हकीकतें, श्री कृष्ण से जुड़े हुए रिसर्च, संशोधन और इन सब के साथ वास्तविक संबंध कितना था, कितना है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। कौन पहले हुआ, कौन बाद में मरा, इस बात को भी मैं नहीं सोचता, लेकिन हर एक क्षण, हर एक पल आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर कृष्ण जिंदा है, कृष्ण जीवित है, कृष्ण मौजूद है, उनका अस्तित्व है। वो हवाओं में है, वो फिजाओं में है, वो धड़कन में है, वो प्राणों में है, वो ख्यालों में है, वो आज भी ख्वाबों में है और इसलिए वो जगत गुरु है। कृष्ण के समय से आरंभ करके आज तक जीवन को कृष्ण का एक हिस्सा बनने की आप आशा कीजिए और यही आशा आपके जीवन को कृष्णायन की तरफ खींच कर ली जाएगी। अनुभव होगा आपको श्री कृष्ण का, ये अनुभव होगा कि वो आपके प्राणों में, आपकी सांसों में चल रहे हैं। ये वो कृष्ण हैं जिन्हें आप चाय, कॉफी या दूध के टेबल के सामने देखिए। ये वो कृष्ण हैं जो आपकी जीवन की दैनिक दिनचर्या के हिस्सा बन सकते हैं। ये वो योगेश्वर, वो गिरधारी, अंत जन्म फूकने वाले और सिर्फ गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण नहीं, ये सिर्फ अर्जुन के रथ का घोड़ा सारथी बनने वाले नहीं, ये तो आपके साथ मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, आपके सुख दुख के साथी बन सकते हैं, डेली लाइफ की रूटीन में
वो आपको प्रेरित कर सकते हैं।